कल शाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कॉमर्स साइंस और आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट्स बोर्ड का रिजल्ट www.raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। इस बार आर्ट्स का रिजल्ट 96.88%, कॉमर्स का रिजल्ट 98.95% और साइंस का 97.73% रहा है। इस बार तीनों स्ट्रीम्स में गर्ल्स का दबदबा रहा है। विज्ञान में 98.90%, कॉमर्स में 99.51% और आर्ट्स में 97.86% गर्ल्स पास हुई हैं। आइए आपको इस बार के राजस्थान बोर्ड के टॉपर से मिलवाते हैं और बताते हैं कि आखिर उन्होंने पास होने के बाद क्या कुछ कहा। राजस्थान 12वीं बोर्ड की आर्ट स्ट्रीम में 99.20% अंक हासिल करने के बाद प्रतिभा ने टॉप किया है। वहीं टॉप करने पर जब उनसे अपने जूनियर्स के लिए टिप्स मांगी गई तो उन्होंने कहा कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्लास में पढ़ना भी जरूरी है। उन्होंने सेल्फ स्टडी और स्कूलिंग दोनों पर ही पूरे साल ध्यान रखा था, इसलिए आज वो टॉप कर पाई हैं। इसके साथ ही प्रतिभा ने मीडिया को ये भी बताया कि वो अब सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। वहीं डांगरा गांव की अंकिता शर्मा ने कक्षा 12वीं में 97.80 अंक हासिल किए हैं। अंकिता भविष्य में यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस बनना चाहती हैं। अंकिता की माता गृहिणी और पिता खेती करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी अंकिता ने जी तोड़ मेहनत की और 12वीं कक्षा में टॉपर्स लिस्ट में अपना नाम शामिल करने का सपना पूरा किया। सीकर के दादिया रामपुरा क्षेत्र की रहने वाली आरती माविया ने भी 98% अंक हासिल कर आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया है। इनके पिता लक्ष्मण प्रसाद टाइल्स लगाने का काम करते हैं। नागौर की अलीशा खान ने भी आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया है। उन्होंने 12वीं में 99.20 अंक हासिल किए हैं। अलीशा के पिता अयाज खान सरकारी शिक्षक हैं। इससे पहले पिछले साल उनकी बड़ी बहन अलवीरा खान ने भी 96.06% अंक हासिल किए थे। तब से ही छोटी बहन ने सोच लिया था कि बड़ी बहन का रिकॉर्ड तोड़ना है। अलीशा ने रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई की थी। अब वे भविष्य में जज बनना चाहती हैं। वहीं आइए अब आपको चूरू के नवदीप से मिलवाते हैं। नवदीप ने 12वीं बोर्ड की साइंस स्ट्रीम में 98.40% अंक हासिल किए हैं। टॉप करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने जूनियर्स के लिए टिप्स भी दी। नवदीप ने कहा कि यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है तो टीचर को अंधा होकर फॉलो करें, वो आपको कभी भी गलत राह पर नहीं लेकर जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।